कि पुलिस का जो मुख्य मकसद है, उत्तरदायित्व है, ऑब्जेक्टिव है, वो है विधि व्यवस्था का संधारण करना और अपराध का नियंत्रण करना। ये दो गोल है, दो ऑब्जेक्टिव है। जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा पूरा दिल से, तब तक पुलिस न सफलतापूर्वक विधि व्यवस्था का संधारण कर पाएगी, न अपराध नियंत्रण में उसको सफलता मिलेगी। ये जन सहयोग द्वारा ही संभव है, और जन सहयोग तब मिलेगा जब जनता का पुलिस पर विश्वास होगा। यहाँ विश्वास का, आस्था का संकट है पूरे देश में। पुलिस पर कौन भरोसा करता है बताइए जी। मैंने, आपने पूछा राजनीति में क्यों असफल हुए, उसका जवाब दिया ना कि जिन महान गुणों की आवश्यकता है राजनीति, एक सफल राजनीतिज्ञ बनने के लिए, वो मुझ में नहीं है, मैं उसके काबिल नहीं हूँ, उतनी मुझ में योग्यता नहीं है, मैं कभी राजनीति में सफल हो ही नहीं सकता। मुझे झूठा भ्रम था कि मैं एक सफल राजनेता बन सकता हूँ, मुझे लग गया कि नहीं, मैं उस काबिल नहीं हूँ, बस खत्म। का नौकरी कौन करता है बताइए? कोई करोड़पति बाप का बेटा सिपाही का नौकरी नहीं कर सकता। इतना कष्ट का जीवन है एक सिपाही का, मैं बता रहा हूँ। 25 किलो की राइफल पीठ पर लेकर के बिना खाए पिए, और ये जब विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है, सत्तू खा करके, चूड़ा और रूर खा करके बिहार के सिपाही 36-36 घंटा, 72-72 घंटा काम करते हैं। कोई करोड़पति का बाप का बेटा करेगा? नहीं करेगा। सब गरीब के बच्चे हैं, किसी जात के हों। ये लोग, ये कथा के आयोजक लोग बुड़ुए, ये लोग बुला लिहल है। उद्देश्य ये बुड़ुए रुआ सबके बताओ। पहले तो हम सिवान बहुत दिन के बाद आयल बनी, DGP रहनी तो सिवान आवे को मौका मिले रहे 2-3 बार, लेकिन ओकरा पहले भी एक बार बहुत भीषण सिवान में विधि व्यवस्था के संकट खड़ा भई रहे, जो अगर ट्रेन से कौन दुर्घटना भी रहे, हम IG रहे मुजफ्फरपुर में, तब आई रहे। अब की बार हम सेवानिवृत्ति के 1 साल के बाद सिवान में कथा करें, श्रीमद् भागवत की कथा करें, भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्र के गायन करे खातिर आयल बानी। और सिवान जिला के भवराजपुर गांव में आज 5 बजे से कथा के शुरुआत हुई शाम के, आ 16 तक चली, रोज 5 बजे से 8 बजे रात तक सिवान जिला के भवराजपुर में 3 घंटा 5 से 8 शाम के कथा हुई। यजमान एक महादलित परिवार से बड़े, बहुत श्रद्धालु बड़े, और बाकी सब सिवान के जितना भाई लोग बा सब एकरा में लागल बुड़बे। तो ये घर घर सूचना पहुंच जाए पूरे सिवान के लोगों के बीच, जेकरा इच्छा होके, जेकरा श्रद्धा होके, जेकरा भीतर कथा सुने के ललक होके, वो सबकर स्वागत बा सिवानपुर के, सिवान के भवराजपुर गांव में रोज 5 बजे से 8 बजे तक। पहला तो ये हो गई। दूसरा, आज छठ मैया के व्रत है, काल नहाए खाए रहे, आज पहला अर्घ मैया के पड़ी, तो इस सूर्य के उपासना के त्यौहार है। ये व्रत के अनुष्ठान केला से आरोग्य, सुख, समृद्धि, सौभाग्य में वृद्धि होला, और हम तमाम सिवान के लोग के, और बिहार और झारखंड और उत्तर प्रदेश, ये तीनों प्रदेश के जो लोग देश के बाहर कोना कोना में जहाँ बड़ुए आ छठ के अनुष्ठान कर रहा बा, वो सब लोग के बहुत बहुत प्रणाम करता नहीं, वो लोग के शुभकामना करता नहीं, और छठ मैया से प्रार्थना करता नहीं कि सबका के सौभाग्य देश, आरोग्य देश, सुबुद्धि देश, और सबकर जीवन में मंगल करस। इतने कह के हम अपन बात समाप्त कर, कुछ पूछे कोई तरह सब पूछ ले। ऐसा सवाल वजन के बार बार पूछे ला लोग कि भाई अचानक प्रशासन, फिर राजनीति, तो फिर ये कैसे? एकरा के समझावे खातिर तो तनि विस्तार से टाइम चाहिए, लेकिन हम आधा मिनट में समझाओ तनि। मनुष्य में 3 चीज, जीव जो बढ़ुए, मनुष्य बढ़ुए, ओकरा में 3 गो गुण होला। एगो कहल जाला तमोगुण, एगो कहल जाला रजोगुण, एगो कहल जाला सतोगुण। जब तमोगुण के प्रधानता होला के हो जीव में, तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन, अतने तक ओकर सोच, ओकर व्यवहार, ओकर चिंतन, ओकर कार्य सीमित रहेला। लेकिन जब एकरा से ऊपर उठेला, रजोगुण के उत्कर्ष जब हो जाला जीव में,
तब ओकर स्वभाव भी बदल जाला, चिंतन भी बदल जाला, व्यवहार भी बदल जाला आ कार्य भी बदल जाला। मतलब जब रजोगुण के उत्कर्ष होई तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन जीवन के अंतिम उद्देश्य ना रही, तब ओकरा मान चाहे, सम्मान चाहे, यश चाहे, प्रतिष्ठा चाहे, शासन चाहे, सत्ता चाहे, वैभव चाहे, तो वो एह तरह के ओकर स्वभाव हुई, तो वही तरह के ओकर व्यवहार हुई, वही तरह के ओकर कार्य हुई, तो ये रजोगुण बढ़ला पहला। और सुनिए, और फिर जब सतोगुण जब बढ़ला, हाँ वो जितनी राजनीति की जो बात कर रहे हैं वो सब रजोगुणी काम है। रजोगुण में सत्ता चाहिए, पावर चाहिए, स्वर्ग चाहिए, जस चाहिए, नाम चाहिए, ये रजोगुण में ही राजनीति होती है। रजोगुण नहीं होगा तो राजनीति नहीं हो सकती। आपका सवाल ठीक ही था, लेकिन जब सतोगुण की के उत्कर्ष होला आदमी में, चाहे वो पहले के संस्कार के कारण होके, चाहे ईश्वर के आशीर्वाद से होके, चाहे संतों के कृपा दृष्टि से होके, तो कोनो कारण से जब सतोगुण के उद्रेक होला, उत्कर्ष होला, तो रजोगुणी जतना काम बा ओकरा से मन हट जाला। ये एगो आध्यात्मिक नियम है, मतलब एक स्पिरिचुअल साइंस इसको बोलते हैं। तो उसको फिर हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, यहाँ से दर्शन की शुरुआत होती है। तो उसके बाद आदमी का स्वभाव अलग हो जाता है, व्यवहार अलग हो जाता है, उसका कार्य अलग हो जाता है। तो एक ही आदमी में ये तीनों गुण एक साथ रहते हैं, तमोगुण भी रहता है, रजोगुण भी रहता है, सतोगुण भी रहता है। कभी तमोगुण प्राबल्य हो गया, प्रबल हो गया, तो उसके अनुसार वो आचरण करेगा। रजोगुण अगर प्रबल हो गया तो उसका व्यवहार अलग होगा। सतोगुण की प्रधानता हो गई तो उसका व्यवहार अलग होगा। तो एक ही आदमी समय और परिस्थिति के अनुसार उसमें परिवर्तन अपने जीवन के अनुभव के कारण और पूर्व जन्म के संस्कार के कारण होते रहते हैं। एक कुशल और सफल प्रशासनिक अधिकारी होकर राजनीतिक में इतनी जल्दी विफलता की गई? ये सवाल का जवाब मैं 100 बार दे चुका हूँ। राजनीति में मेरा प्रवेश ही नहीं हुआ तो सफल और विफल होने का क्या सवाल है। राजनीति में मेरा तो एडमिशन भी नहीं हुआ, कख गघ भी मैं नहीं सीख पाया। और आप पूछ रहे हैं कि क्या कारण है असफल होने का, तो राजनीति में जितने चातुर्य की जरूरत है और जिन जिन गुणों की जरूरत है वो मुझ में नहीं है। तो के लिए आपने 1 साल पहले तो VRS लिया नहीं था? अरे जवाब तो दे दिए, क्यों बेकार परेशान कर दिया मैंने। आपने पूछा राजनीति में क्यों असफल हुए, उसका जवाब दिया ना कि जिन महान गुणों की आवश्यकता है राजनीति, एक सफल राजनीतिक बनने के लिए, वो मुझ में नहीं है, मैं उसके काबिल नहीं हूँ, उतनी मुझ में योग्यता नहीं है, मैं कभी राजनीति में सफल हो ही नहीं सकता। मुझे झूठा भ्रम था कि मैं एक सफल राजनेता बन सकता हूँ, मुझे लग गया कि नहीं मैं उस काबिल नहीं हूँ। सर खत्म हो गया। सर आप DGP थे तो बिहार के जो आपराधिक इतिहास था, वो जो अपराध हो रहे थे वो बिल्कुल नगण्य के बराबर थे, आज की स्थिति बिल्कुल डगमगा। देखिए अपराध के बारे में बोलने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मतलब नहीं है, मेरी उसमें कोई रुचि नहीं है। मैं ना अखबार पढ़ता हूँ ना TV देखता हूँ, तो उस पर अब मेरी टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन मैं एक बात मानता हूँ कि पुलिस का जो मुख्य मकसद है, उत्तरदायित्व है, ऑब्जेक्टिव है, वो है विधि व्यवस्था का संधारण करना और अपराध का नियंत्रण करना। ये दो गोल है, दो ऑब्जेक्टिव है। जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा पूरा दिल से, तब तक पुलिस न सफलतापूर्वक विधि व्यवस्था का संधारण कर पाएगी, न अपराध नियंत्रण में उसको सफलता मिलेगी। ये जन सहयोग द्वारा ही संभव है, और जन सहयोग तब मिलेगा जब जनता का पुलिस पर विश्वास होगा। यहाँ विश्वास का, आस्था का संकट है पूरे देश में। पुलिस पर कौन भरोसा करता है बताइए जी? पुलिस पर कोई भरोसा ही नहीं करता है किसी भी पुलिस पर। व्यक्तिगत कोई अधिकारी अच्छा हो सकता है, वो बात छोड़ दीजिए, या व्यक्तिगत कोई अधिकारी अपने व्यवहार से, अपने काम से जनता का आशीर्वाद प्राप्त कर ले, विश्वास प्राप्त कर ले, ये सब अलग चीज़ें हैं। लेकिन पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल, उस पर
जनता का विश्वास नहीं है, जो शोषित हैं, दलित हैं, गरीब हैं, दबे हैं, कुचले हैं, जिनके पास पैसा नहीं, पैर भी नहीं, हर आदमी थाना जाने से डरता है, उससे कोई थानेदार बात नहीं करेगा, डीएसपी बात नहीं करेगा, एसपी से उसको भेंट नहीं होगी, उसके ऊपर उसकी औकात नहीं है। तो क्यों आप, विश्वास नहीं है पुलिस के ऊपर? आप तो पुलिसिंग, अच्छा पुलिसिंग किए हुए हैं। मेरा जवाब सुनिए, ध्यान से सुनिएगा तो सब जवाब दे दिया। ये इसकी पर मैंने एक सैकड़ों वर्षों की गुलामी का संस्कार है ना, पुलिस को, इस पुलिस को किसने बनाया था? अंग्रेजों ने बनाया था ना, किस लिए बनाया था? जनता पर शासन करने के लिए, शोषण करने के लिए, जुल्म करने के लिए। जमींदारों के साथ पुलिस खड़ी रहती थी, सोचते गरीबों के लिए थोड़े ही थी। पुलिस का वो संस्कार और चरित्र, जितना डेमोक्रेसी हो गई, देश आज़ाद हो गया, तो पुलिस के चरित्र में भी ये परिवर्तन दिखना चाहिए था। तो पुलिस का, चाहे सिपाही हो, चाहे डीजीपी हो, किसी स्तर का कोई पदाधिकारी, उसके दिल दिमाग में प्रशिक्षण दे करके, ट्रेनिंग दे करके ये बात भरनी होगी कि आप जनता के मालिक नहीं हैं, आप जनता के सेवक हैं। वो जनता का मालिक अपने को मानता है। एक थानेदार देखिए किसको, एक सिपाही, हमारा गरीब घर का बच्चा, एकदम गरीब घर का, शोषित, दलित, कुचले, मतलब नीचे, वो जिस दिन खाकी वर्दी पहनता है तो रोड पर वो डंडा किस पर ठोकता है? रिक्शे वाला पर, ठेले वाले पर, खुमचा वाले पर, जूता सीने वाले पर? किसी करोड़पति के दरवाजे पर जाकर उसको डंडा ठोकने का औकात है? उसके दिमाग में किसने ये दे दिया कि रिक्शे वाले को पीट दो, ठेले वाले को पीट दो, टमटम वाले को पीट दो, किसी को गाली दे दो, किसी को अपमानित कर दो? किसी बड़े आदमी के साथ तो ऐसा नहीं करता। तो उसका दोष नहीं, उसको ट्रेनिंग, प्रशिक्षण देना पड़ेगा कि भाई आप वैसे ही परिवार से आते हो, सिपाही का नौकरी कौन करता है बताइए? कोई करोड़पति बाप का बेटा सिपाही का नौकरी नहीं कर सकता। इतना कष्ट का जीवन है एक सिपाही का, मैं बता रहा हूँ। 25 किलो की राइफल पीठ पर लेकर के बिना खाए पिए, और ये जब विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है, सत्तू खा करके, चूड़ा और रूर खा करके बिहार के सिपाही 36-36 घंटा 72-72 घंटा काम करते हैं। कोई करोड़पति का बाप का बेटा करेगा? नहीं करेगा। सब गरीब के बच्चे हैं, किसी जात के हों। 20,000 रुपये के लिए, 25,000 रुपये के लिए 24 घंटे राइफल लेकर के, इतना पुलिस लाइन देखिए कितनी अव्यवस्था रहती है, न सोने की व्यवस्था, न खाने की व्यवस्था। इतने कठिन परिस्थितियों में बिहार की पुलिस काम करती है। केवल माइंड सेट उसका बदल जाए, जिस दिन वो सोच ले कि हम ये वर्दी पहने हैं शोषित, दलित, गरीब, कमजोर आदमी की रक्षा के लिए, और उसके प्रतिनिधि के रूप में हम समाज में हैं, तो पुलिस सामाजिक परिवर्तन का औजार बन जाएगी। लोग उसकी पूजा करने लगेंगे, उसको माला पहनाने लगे। एक सिपाही भी हीरो हो जाएगा अगर वो जनता की बात सुनने लगे। एक थानेदार भी हीरो हो जाएगा। मैं एक थानेदार को जानता हूँ जिसने रिजाइन कर दिया, चुनाव लड़ा निर्दलीय और जीत करके विधायक भी हो गया। तो जनता का दिल जीतना ये भाषण से नहीं होगा, प्रवचन से नहीं होगा, और अखबार में फोटो छपवाने से और टीवी पर मुंह दिखाने से नहीं होगा। जनता बहुत होशियार है, जनता को कोई बेवकूफ ना समझे। वो आपके काम से आपको जज करेगी, आप विश्वास करने लायक हैं कि नहीं। लेकिन जिस दिन विश्वास हो गया जनता को, तो आपको अब देवता बना देंगे। इस बात को एक एक सिपाही को समझना होगा, एक एक अधिकारी को समझना। सामाजिक सुधार में अध्यात्म की बड़ी भूमिका होगी। भाई सामाजिक सुधार, अध्यात्म की भूमिका, बिना अध्यात्म के तो कुछ भी नहीं हो सकता, सामाजिक सुधार ही नहीं हो सकता। सामाजिक सुधार का क्या मतलब? पहले तो ये बात, सामाजिक सुधार का मतलब हुआ कि आदमी के चेतना के स्तर को ऊपर उठाना है। आदमी के चेतना के स्तर को ऊपर उठाने का काम राजनीति से नहीं होगा। राजनीति आदमी की चेतना को नीचे गिराने का काम कर सकती है, ऊपर उठाने का काम नहीं कर सकती। वो जात, मजहब, धर्म, पिछड़े के नाम पर लड़ा सकती है, आदमी को बांट सकती है। आदमी को जोड़ने का काम अध्यात्म करेगा, वो नकली अध्यात्म नहीं, सही अध्यात्म, और सही जो आध्यात्मिक होगा वो। हम सब ईश्वर की संतान हैं, चाहे कोई ब्राह्मण हो या दलित हो या महादलित हो, ये भेद जो है वो बिल्कुल पॉलिटिकल हैं। हम अच्छा, सबसे सच्चा रिश्ता तो यही है कि ब्राह्मण का भगवान अलग, क्षत्रिय का भगवान अलग, पासवान का भगवान अलग, और यादव का भगवान अलग। तो हजारों जातियाँ हैं भाई, तो हजारों भगवान हो जाएंगे, और भगवान लोगों में आपस में मारामारी होने लगेगा, हम लोगों को गुहार लेकर जाना पड़ेगा। इतनी सामान्य बुद्धि से समझा जा सकता है कि भगवान एक ही हो सकता है,
जिसने झील बनाई, झरने बनाए, तालाब बनाई, पोखर बनाई, नदियां बनाए, समुद्र बनाए, समुद्र चांद बनाए, सितारे बनाए, करोड़ों करोड़ संपूर्ण 84 लाख जूनियों का सृजन जिसने किया, इस सृष्टि का सृजन जिसने किया, वो भगवान दो कैसे होगा? वो तो भगवान एक ही होगा, और उसी भगवान की हम सब संतान हैं, उसी सुप्रीम कॉन्शसनेस के हम पार्ट हैं। ये नहीं कि इनका भगवान अलग है, ये पासवान है, इनका भगवान अलग है, हम ब्राह्मण है तो मेरा भगवान अलग है। एक ही बाप है, एक ही पिता है, वह ईश्वर, और उसी के यहाँ से ये भी आए हैं पासवान जी, उसी के यहाँ से गुप्तेश्वर पांडे भी आए हैं। तो पासवान जी और गुप्तेश्वर पांडे आपस में भाई भाई हैं, और सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सच्चा रिश्ता यही है कि हम सब भाई भाई हैं। अपने आचार विचार आहार विहार स्वभाव और संसार के कारण भेद है, नहीं तो सब मनुष्य बराबर। आप बताइए, यही रैदास क्या थे? बताइए आप, रैदास क्या थे? महादलित आज की भाषा में कहेंगे तो थे, और बड़े बड़े दिग्गज प्रखंड विद्वान ब्राह्मण उनको साष्टांग लूट करके दंडवत करते थे। चेतना के स्तर को उठाना है ऊपर। श्रीमद् भागवत पुराण की कथा कहने जा रहा हूं, नैमिषारण्य में 88,000 ब्राह्मण साधक सिद्ध लोग, साधक नहीं सिद्ध लोग, 88,000 विद्वान साधक और सिद्ध लोग श्रोता बनकर खड़े हैं, और व्यास गद्दी पर कौन बैठा हुआ है? गुरु किसको बनाया? सूत जी को। सूत जी ब्राह्मण नहीं है, सूत जी को व्यास गद्दी पर गुरु बना करके 88,000 ब्राह्मणों ने उनकी आरती की है, पूजा की है, उनकी अभ्यर्थना की है, वंदना की है, उनको गुरु कह करके साष्टांग दंडवत किया है और कहा कि हमारे कल्याण का रास्ता बताइए। आप बताइए हमारी सनातन परंपरा कितनी महान है। वाल्मीकि कौन थे बोलिए आप? आज संपूर्ण देश का सनातन धर्म, संपूर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय जो भी अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, सारा समाज उनके चरणों में नतमस्तक है। कौन थे? ये जात के नाम पर लड़ना, आपस में नफरत फैलाना, और आपस में हम अगड़े हम पिछड़े, ये शोषित है दलित, और ये सब पॉलिटिकल विभाजन है। सच्चा संत वही है, सच्चा आध्यात्मिक पुरुष वही है जो ये मानता है कि हम सब ईश्वर की संतान हैं और आपस में भाई भाई हैं। समाज में सद्भावना होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। इतनी दुर्गंध तो पहले से समाज में फैली हुई है, इतनी बदबू फैली हुई है, उसमें और भी बदबू फैलाने से क्या होगा? जात का जहर। इसलिए सबको मिलकर के प्रेम से रहना चाहिए। मैं श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से सामाजिक शांति का, सामाजिक समरसता का, प्यार का पैगाम देता हूँ, मोहब्बत का पैगाम देता हूँ, लोगों को जोड़ने का काम करता हूँ कि इंसान से इंसान का हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। धन्यवाद।